सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं आचार्य बालमुकुंद। बालमुकुंद जी, अभी अभी तो जीत का जश्न ही बीजेपी मना रही है, अनावश्यक इस विवाद के अंदर आप कहां फंस गए, क्या मामला है? श्रीमान, विवाद कैसा, मेरे पास में मैं अखिल भारतीय संघ समिति राजस्थान अध्यक्ष होने के नाते प्रतिदिन मेरे पास में ये सूचनाएं थी कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं लगे नॉनवेज की दुकान लगी है और मैंने अधिकारियों को इतना निवेदन किया, सवेरे 9 बजे से फोन चालू किया तो 12 बजे तक फोन पिक नहीं किया। मैंने कहा साहब ये माताएं मैंने आई है, जैन समाज के लोग आए हुए हैं, ये कह रहे हैं कि ये नॉनवेज के खुले में दुकानें चल रही है, ओपन में चल रही है, आप खुद जाके देख लो, और रोड के ऊपर चल रही है, तो आप नियम पूर्वक कहीं भी करो मुझे क्या आपत्ति है। लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल नियम से चल रही है, लाइसेंस से चल रही है। जब मैं अधिकारी के साथ गया हूं वहां मौके पे तो 12 दुकान पे एक पे भी लाइसेंस नहीं मिला। आपने दुकान के अंदर जाके चेक किया? बात कर रही है जी बालमुकुंद जी, क्या आपने दुकान के अंदर जाके चेक किया? क्योंकि जो तस्वीर, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आप एक होटल के बाहर खड़े हुए हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये लाइसेंस कौन इश्यू करता है और किस प्रक्रिया से इश्यू होता है, आपको पता है ना? लगता है कि संपर्क फिलहाल कट गया है, लेकिन आचार्य बालमुकुंद जिनका कहना है कि उन्होंने महिलाओं और कई लोगों की शिकायत, नागरिकों की शिकायत मिलने के बाद ये पड़ताल की थी और वो अपने समर्थकों के साथ में पहुंचे हुए थे, लेकिन जिस तरीके से वो एक अधिकारी से बातचीत कर रहे थे उसका वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो एक अधिकारी से इस तरीके से कैसे बात कर सकते हैं। और अभी अभी तो वो हवा महल इलाके से चुनाव जीत कर बस आए ही हैं और उसके बाद अधिकारियों पर इस तरीके से क्या उनका तो क्या कुछ आचार्य बालमुकुंद ने कहा था, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। नहीं हूं मैं, आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने, लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, जिस तरीके से आचार्य बालमुकुंद अब से पहले दलील दे रहे थे, उन्होंने जी न्यूज से जो बातचीत की उसमें वो कह रहे थे कि वो डरा नहीं रहे, वो धमका नहीं रहे, वो तो केवल रिपोर्ट मांग रहे थे, वो रिपोर्ट भी जो मांग रहे थे, क्या एक विधायक के तौर पर वो ये रिपोर्ट ले सकते हैं किसी अधिकारी से इस तरीके से? क्या कुछ पूरा मामला जरा विस्तार से बताइए और प्रशासन क्या कर रहा है इस मामले पर? बिल्कुल, किसी अधिकारी से इस तरह से बात नहीं की जा सकती क्योंकि जनप्रतिनिधि है और वो भी सार्वजनिक रूप से। हालांकि अगर कोई बात की जाती है तो शालीनता से कह सकते हैं कि बिल्कुल विषय में रोकूंगा आपको। आचार्य बालमुकुंद हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। आचार्य जी, जिस तरीके से आप अपनी बात रख रहे थे, मैं पूरी बात आपकी सुनना चाहता हूं। दरअसल पूरा मामला क्या है, क्योंकि ये वीडियो जैसे वायरल हो रहा है उसमें आलोचना के सवाल आप पर भी खड़े हो रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसको जरा एक्सप्लेन करें कि मामला क्या था दरअसल। जी आचार्य बालमुकुंद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बालमुकुंद आचार्य बोल रहा हूँ। जी जी जी, हाँ आ रही है सर। जी मैं ये जानना चाह रहा था सर कि क्या जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, वीडियो वायरल हो रहा है, आप पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, आप जरा बताइए कि हुआ क्या था, कैसे हुआ था और क्यों अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं? हाँ जी जी जी, आप अपने अपनी बात रखें सर, आप बोलिए। उस क्षेत्र में माताएं बहने जैन समाज के लोग वहां पर हम लोगों को लगातार ये कह रहे थे कि हमारे क्षेत्र में हर गली हर मोहल्ले में लगभग हजारों की संख्या में नॉनवेज के ठेले लगे हुए हैं और रोड पे नॉनवेज बनाते हैं, रोड पे बना के बेचते हैं, खुले में काटते हैं, खुले में देते हैं, और ये आप मेरे अलावा पूरे क्षेत्र में घूमकर देख रहे हैं साहब, ये स्थिति वहां मौजूद है। तो हम लोग उनकी भावनाओं को देखते, मैंने अधिकारी को कई बार कहा, लेकिन अधिकारी को ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं होता और ये गलत सूचना है, सब लाइसेंस वाले हैं। तो जब हम मौके पर उनको दिखाने ले जाना चाह रहे थे तो 9 बजे से 12 बजे तक कोई अधिकारी बात करने को मिलने को तैयार नहीं, और कोई अधिकारी कह रहा मैं छुट्टी पर हूँ,
तो अधिकारियों को बुलाया कि आप मौके में हमारे साथ आप चलो, अगर मैं झूठ हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करो, और अगर नहीं तो आप मौके पे चल के आप खुद कार्रवाई करो उनसे। तो हम जितनी दुकान से उनको ले गए, तो सारे दुकानदार के पास में लाइसेंस नहीं था, वो ओपन रोड पे बनाते हैं, रोड पे काटते हैं, वहीं पर बना के बेचते हैं, और वो जो गंदगी वहां फेंकते हैं इससे कुत्ते बैठते हैं, श्वान और आते ही जाने वाले बच्चों को और माताओं को वो काटते हैं। बालमुकुंद जी, ये जो वीडियो आपका वायरल हो रहा है, इसमें आप किस अधिकारी से बात कर रहे थे, वो कौन अधिकारी थे जिनसे आप संपर्क कर रहे थे सफाई और रिपोर्ट मांगने का? ये साहब अधिकारी हमारे नगर निगम के हैं, पहले तीन चार को फोन किया था, उन लोगों ने कहा ये मेरा काम नहीं है, उसने कहा मेरा काम नहीं है, फिर एक महेश शर्मा जी थे, उन्होंने कहा ये मेरा काम है, तो मैंने कहा साहब मौके पे आप आ जाओ और चेक कर लो, अगर हम गलत है तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करना। और माता है मैंने बच्चे वहां रोज आते हैं बात कहने कि हमारे पूरे क्षेत्र में हर गली मोहल्ले में हर कोने पे नॉनवेज का वहाँ जो दुकान लगा है उसकी वजह से हमें परेशानी होती है, मंदिर जाते हैं गोविंद जी के तो हमें वो दिक्कत आती है, रस्ते में वो हर कोने पर लगे हुआ है साहब, आप खुद मौके पर जाकर देखो। तो क्या आपने जी जैसा आप कह रहे थे आचार्य जी कि आपने वहां जाकर चेक किया और उनमें से कई लोगों के पास में लाइसेंस नहीं मिला, आप तो कह रहे हैं कि 12 आपने चेक किया, 12 में से 12 के पास ही लाइसेंस नहीं था? एक के पास भी नहीं था साहब, एक के पास नहीं था, आज भी जाके पूछ सकते हो आप, अगर मैं झूठ हूं तो आज मौके पर जाके पूछ लो। तो ये तो फूड एंड ड्रग इंस्पेक्शन विभाग जो होता है उसका काम होता है। दूसरी बात, FSSAI जो है, आपने सुना होगा नाम इस संस्था का, वो देती है लाइसेंस फूड वेंडिंग के लिए, अगर कोई भी खाद्य पदार्थ जिसकी वेंडिंग की जाती है। और जो तस्वीर वायरल हो रही है ये तो एक होटल के बाहर की तस्वीर है, तो क्या उस होटल के अंदर लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस के वो होटल चल रही है? आप साहब मौके पे चले जाओ, मैं झूठ हो तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो, 2000 दुकानें मिलेगी आपको पूरे जयपुर में, एक भी लाइसेंस मिल जाए, सिर्फ एक तो 37-38 का लाइसेंस है साहब। तो ये जो अधिकारी थे, क्या उनसे आपको रिपोर्ट मिल गई है? अब आपने जो विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी और आपने कहा था कि या तो आप मेरे पास आइए नहीं तो मैं आपके पास लेने आता हूँ ये रिपोर्ट। देखिए मेरा नाराज होना इसलिए जायज था कि अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं अभी तक, उल्टा मुझे ही टारगेट किया जा रहा है। मैंने कौन सा गलत काम कर दिया साहब, मैंने तो शिकायत आने पर निवेदन किया, उस निवेदन को स्वीकार न करते हुए उल्टा कि हमने धमकाया, क्या निवेदन किया साहब, मेरा गला बैठा हुआ है चुनाव की वजह से, जुकाम की वजह से, ज्यादा तेज बोलना इसका मतलब ये थोड़ा ना मैंने कोई अपराध किया है। मैंने कहा है कि आप मौके पर जाके देख लो साहब, लाइसेंस नहीं मिले मेरे खिलाफ कार्रवाई करना, लाइसेंस है ही नहीं किसी के पास। नहीं आचार्य जी, आप एक सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, हाल ही में निर्वाचित हुए हैं, और लोग आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे, और एक प्रशासनिक अधिकारी को इस तरीके से स्पीकर पर लेते हुए सार्वजनिक तौर पर लोगों की मौजूदगी में अगर आप इस सुर में, धमकाते हुए सुर में बात करते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि क्या आचार्य बालमुकुंद आगे 5 साल इसी तरीके से अधिकारियों से व्यवहार करेंगे? नहीं, मैं अगर मेरे से अगर कुछ ऐसा रहा तो मैं सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगता हूं, और किसी को मेरी वजह से ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा मांगता हूं, और मेरा इतना ही कहना था कि वो जो शिकायत है माताओं बहनों की, कृपया उसको देखते हुए आप एक बार चेक कर लें कि ये दुकानें जो चल रही है खुलेआम चल रही है, ये अपराकाशी है, मंदिरों के आसपास चल रही है, यहाँ पर टूरिज्म पॉइंट है, टूरिस्ट घूमता है, उसके बाद में जो स्थितियां हैं, अगर वो स्थितियां सही नहीं है, हमारी छवि खराब हो रही है देश में विदेश में, उसको ठीक करने का निवेदन था। अगर ये चीज बुरी लगी है किसी को तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सार्वजनिक रूप से हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूँ। आचार्य जरा ये भी बताइएगा कि ये कब की घटना है, आखिर कैसे ये हुआ, क्या महिलाएं आपके पास आई थी, क्योंकि आप तो हाल ही चुनाव जीते हैं, लोग आपको बधाई देने के लिए पहुंच रहे होंगे, आपके पास बहुत सारे फोन आ रहे होंगे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप महिलाओं के, आपने समर्थकों के साथ में वहां पहुंचे? महिलाएं तो हालांकि इस वीडियो में नहीं दिख रही है उतनी संख्या में। मैं जानबूझ के किसी को नहीं लेके गया जी, अखिल भारतीय संघ समिति राजस्थान का मैं अध्यक्ष होने के नाते मंदिरों का, मंदिर से संबंधित समस्याओं का मैं लगातार काम करता रहा हूँ। इस बीच बहुत सारे संगठनों ने और जैन समाज ने बहुत सारे पत्र हम लोगों को पूर्व में लिखित में और मुख से अपनी सूचना दी हुई है कि हमारे क्षेत्र में हर कोने पर, हर गली में, चारों तरफ, और आप खुद आज शाम को अपना मौके पे भेजें और देख लें, आप रामगंज देख लें, आप हसनपुरा देख लें, आप हमारा ये वाला हवा महल वाला रोड देख लें, आपको ओपन में इतना बड़ा मार्केट नजर आएगा खुलेआम आराम से, जो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम है साहब। ठीक है आचार्य बालमुकुंद जी, निश्चित रूप से आपने जो कहा और वो भी दर्शकों ने सुना होगा, और जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो आप उसके लिए जो है हृदय से दुखी भी महसूस करते हैं, तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।